नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए जो हेडिंग कल पढ़ाया था लोगों को, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, भाई कैपिटल आर, कैपिटल जी, रो, कोप्पा, वो भौतिक विज्ञान के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, रसायन विज्ञान के दृष्टि से कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज जो हम लेने जा रहे हैं बेटा तुम लोगों के सामने, जो है दो हेडिंग जबरदस्त इम्पोर्टेंट बेटा हर साल आता है, क्या है? तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर चालकता या आणविक चालकता, ये दूसरे हेडिंग है, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो बेटा, बिल्कुल सेम परिभाषा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एक क्रिस्टल कंसेप्ट के साथ इसे समझते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं, ये विलयन है, किसी विलयन की वह चालकता, किसी विलयन की वह चालकता जिसमें एक ग्राम तुल्यांक, अरे किसी भी यौगिक का तुल्यांक की भार जितना हो उतना ही घोल देते हैं बेटा, उसे तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो किसी विलयन की वह चालकता जिसमें एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट पदार्थ घुला होता है, उसे उस विलयन की तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तुल्यांक की चालकता को लेमडा, ये लेमडा है, लेमडा ईक्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है बेटा साइमन, रट लीजिए मात्रक बिल्कुल, साइमन मीटर स्क्वायर तुल्यांक घातिंग माइनस वन, ये मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसे न्यूमेरिकल लगेगा। तो ये है इसका तुल्यांक की चालकता का संकेत, रिप्रेजेंटेशन, इसे प्रदर्शित करते हैं और ये इसका मात्रक है। जो तुल्यांकी देखिए बेटा, जो तुल्यांकी चालकता लैम्डा ईक्यू होता है, इसका मान विलयन के विशिष्ट चालकता कोप्पा और विलयन के आयतन कैपिटल वी के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखते हैं बेटा, जैसे ये है लैम्डा ईक्यू, लैम्डा ईक्यू है, यह है विलयन की तुल्यांकी चालकता, तो इसका मान विलयन के विशिष्ट चालकता कोप्पा, विलयन के विशिष्ट चालकता कोप्पा और विलयन के आयतन वी कैपिटल वी के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक परिभाषा बन गया, आओ बेटा फिर सुनिए। तो किसी विलयन की वह चालकता जिसमें एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट पदार्थ घुला होता है, विलयन की उस चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं, इसको लैम्डा ईक्यू से व्यक्त करते हैं। और फिर उसका लैम्डा ईक्यू का मान विलयन के विशिष्ट चालकता कोप्पा और उसके आयतन वी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए हम पढ़े हैं, हम लोग बताए हैं, नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है, डब्लू बटे टीवी पढ़ाए हैं। तो जो आयतन होता है लीटर में, इसको लिख सकते हैं बेटा एन बराबर डब्लू बटे ई गुणते वी बटे 1000। हमने आयतन को लीटर बदल दिया ना, अब बटे बटे ऊपर हो जाएगा, तब ये बटे में है ना, तो एन बराबर हो जाएगा डब्लू गुणते 1000 बटे ई मल्टीप्लाई कैपिटल वी। अब देखो यहां पर वी इधर आ जाएगा, हो जाएगा तब डब्लू गुणते 1000 बटे ई अपने स्थान पर रहेगा, गुणते बेटा एन आ जाएगा। अब देखो एक ग्राम तुल्यांक के लिए, एक ग्राम तुल्यांक उसे कहते हैं, एक ग्राम तुल्यांक के लिए, एक ग्राम तुल्यांक के लिए जो W होता है वह तुल्यांक की भार के बराबर होता है। तब यहां हमारे W मान हम E रख देंगे, तब हो जाएगा V इक्वल टू कैपिटल E गुणते 1000 बटे कैपिटल E गुणते N। तब यहां तो देखो के E से E कट जाएगा, तब आया क्या तुम्हारा कैपिटल V बराबर 1000 बटे N। देखिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओनली फॉर नॉलेज के लिए बेटा। अब हम यहां लिख सकते हैं
लेमडा ई क्यू बराबर क्या नीचे लिख देते बेटा साफ साफ लेमडा ई क्यू बराबर कोप्पा कोप्पा गुणते कैपिटल का मान 1000 बटे कैपिटल ये तुम्हारा बेटा क्या हो गया ये सूत्र बन गया ये है लेमडा ई क्यू का मान जहां पर लेमडा ई क्यू क्या बेटा तुल्यांकी चलकता कोप्पा क्या है बिलियन की विशि चलकता और यह है बिलियन की नाटकता। आइए अब हम मोलर चलकता देखते हैं तो मोलर चलकता में सेम परिभाषा है अरे भाई परिभाषा वही रहेगा इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट पदार्थ है इसमें 1 मोल विद्युत अपघट पदार्थ उठा रहेगा इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट पदार्थ और इसमें 1 मोल विद्युत अपघट पदार्थ तो किसी भी विलयन की वह चालकता किसी विलयन की वह चालकता जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट पदार्थ जुड़ा होता है विलयन की उस चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अब देखो सेम वैसे ही तो अब इसको जो होता है इसका इसको लेमडा लेमडा एम उसको लेमडा ई क्यू से और इसको लेमडा एम से और इसका जो मात्रक होगा बेटा साइमन साइमन मीटर स्क्वायर यहां तुल्यांक यूनिवर्स है और यहां हो जाएगा बेटा मोल यूनिवर्स मोल घाते माइनस वन है ना इसकी परिभाषा हो गया बेटा इसका संकेत हो गया और इसका क्या हो गया मात्रक। अब देखिए ध्यान समझिए इसका जो मोलर चालकता लेमडा एम होता है इसका मान भी जो है बिलियन के विशि चालकता कोप्पा और आयतन वी के गुणनफल के बेटा बराबर होता है। तब देखो फिर यहां दोबारा क्या लिखेंगे बेटा लेमडा एम इज इक्वल टू बिलियन की मोलर चालकता या आणविक चालकता लेमडा एम का मान बिलियन के विशि चालकता कोप्पा बिलियन के विशि चालकता कोप्पा और आयतन वी के गुणनफल के बराबर होता है ना। अब देखो फिर से दोबारा देखिए बिल्कुल सेम है जैसे उसमें वैसे इसमें है कोई अंतर नहीं बस थोड़ा थोड़ा बस उसमें ग्राम तुल्यांक था इसमें बेटा मोल है। अब देखिए आप बताए हैं मोलरता बराबर होता है बेटा डब्लू बटे या ए 1 लीटर विलयन को विलयन पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं तो एल बटे कैपिटल बी पढ़ाए हैं तो यहां पर इसको लीटर बदलने के लिए कैपिटल एम बराबर एल बटे वी बटे मिलीलीटर लीटर में 1000 अब एम बराबर हो जाएगा एल मल्टीप्लाई 1 बटे बटे ऊपर बटे वी वी किधर पर बेटा अरे जैसे इसमें किए थे तो यहां पर वी को इधर कर देते हैं उसके बाद में हो जाएगा एल गुणते 1000 बटे बटे एम। अब देखो इसमें इसमें 1 ग्राम तुल्यांक भुला था इसमें 1 ग्राम तुल्यांक और इसमें क्या है 1 मोल भुला है तो 1 मोल विद्युत अपघट पदार्थ के लिए 1 मोल विद्युत अपघट पदार्थ के लिए n बराबर 1 हो जाएगा है ना n मान कर दिए ना तब कैपिटल वी बराबर हो जाएगा बेटा एम का मान एक रखेंगे 1 गुणते 1000 बटे कैपिटल एम का दिक्कत है बस अब यहां मान रखे बेटा हो जाएगा तब लेमडा एम इक्वल टू कोप्पा गुणते आयतन का मान 1000 बटे एम ये इसका डेरिवेशन हो गया बेटा। तो यहां पर लेमडा एम क्या है मोलर चालकता या आणविक चालकता कोप्पा क्या है बेटा विशि चालकता और एम क्या है बिलियन की मोलरता ठीक है। आइए पहले फेर करवाते हैं तब बताते हैं बेटा फेर कॉपी में से कंप्लीट कर लिया जाए है ना।
देखिए पहले हम समझाते हैं तुम लोगों को, तो समझते समय डाउन नोट ना किया करो, जब हम लिखवाया करें बोला करें आराम से तब उसे लिखा करो बेटा, आराम से सुकून से। देखिए तो लैंगिक चालकता किसी भी विलयन की वह चालकता जिसमें एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हो, विलयन के उस चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते है ना, सही बात। किसी विलयन की वह चालकता जिसमें एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला होता है, विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब तुल्यांकी चालकता को लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्यू छोटा ई और छोटा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी चालकता का मात्रक रट डालो, साइमन मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, तुल्यांक घात के माने से, या तुल्यांकी चालकता का दूसरा मात्रक बेटा साइमन अपने स्थान पर, जहां मीटर वहां सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, तुल्यांक इनवर्स अपने स्थान पर। तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू का मान विलयन के विशिष्ट चालकता कोप्पा और विलयन के आयतन V के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई वी। अब देखो बेटा तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू और विलयन के नाममात्र n के बीच संबंध जैसा भी बताया तुम लोगों को, तो सूत्र क्या है बेटा देखिए भाई बताए हैं, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कोप्पा मल्टीप्लाई वी और नार्मलता के सूत्र से n बराबर होता है w बटे e मल्टीप्लाई v, आयतन लीटर में हो तो भाग 1000 से, तो n बराबर w बटे e गुणते कैपिटल v बटे 1000, कैपिटल n बराबर w गुणते 1000 बटे E मल्टीप्लाई वी, तो इसको बेटा V इधर कर सकते हैं तीन गुणा कर, तो W गुणते 1000 बटे बटे E अपने स्थान पर गुणते यह अपने यहां आ जाएगा तीन गुणा। अब कैपिटल अब सुनो बेटा ध्यान से, एक ग्राम तुल्यांक के लिए, एक ग्राम तुल्यांक के लिए, एक ग्राम तुल्यांक के लिए W का मान तुल्यांकी भार के बराबर तो हो जाएगा कैपिटल V बराबर हो जाएगा बेटा हो जाएगा E मान रख रहे ना बटे E गुणते 1000 बटे N कटा और हटा यहां E की कटा कैपिटल बी बराबर बेटा 1000 बटे एन। बस अब क्या आपको उत्तर आ गया यार, देखो यहां से तुम्हें क्या है बेटा, लैम्डा इक्यू बराबर कोप्पा गुणते 1000 बटे एन, ये तुम्हारा सूत्र हो गया बेटा। तो आप जहां तुम लोग लिख लो हम बोल दे रहे हैं, जहां लैम्डा इक्यू क्या बेटा तुल्यांकी चालकता है ना, इसका मात्रक क्या होता है साइमन मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, और कोप्पा क्या है विशिष्ट चालकता, और यन क्या है विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता। अब आइए हम अगली मीटिंग लेते हैं बेटा, आइए मोलर चालकता की परिभाषा देखते हैं। देखिए अभी जो पढ़ाए तुल्यांकी चालकता में एक ग्राम तुल्यांक था, इसमें क्या होगा बेटा एक मोल, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, एक ग्राम तुल्यांक बार बार समझिए परिभाषा सेम है, बस एक ग्राम तुल्यांक है और एक मोल है। तो किसी भी विलयन की वह चालकता जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हो, विलयन के उस चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, है ना, सही बात। किसी विलयन की वह चालकता है जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला होता है, विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलर चालकता का मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, या मोलर चालकता का मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है बेटा,
मोलर चालकता अभ्यास सुनिए, इसका सूत्र कैसे बनेगा। मोलर चालकता लैम्डा एम का मान बिलियन के विशिष्ट चालकता कोप्पा और बिलियन के आयतन वी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात लैम्डा एम इक्वल टू कोप्पा मल्टीप्लाई वी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, मोलर चालकता लैम्डा एम और बिलियन के मोलरता कैपिटल एम के बीच संबंध। इधर देखो बेटा क्या है, कुछ नहीं है, लैम्डा एम इज इक्वल टू हमें पाया कोप्पा, कोप्पा गुणे आयतन है ना। अब देखो कुछ नहीं, अरे तुम लोग बताए हैं मोलरता बराबर होता है एन बटे कैपिटल वी। अरे भाई एक लीटर विलयन प्रति विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, एम बराबर एन बटे वी। आ रहा है समझ में, देखो तब अब यहां लिख सकते बेटा कैपिटल एम इक्वल टू एन बटे, अरे भाई आयतन लीटर होना चाहिए, एक दस भागो वी डिवाइड 1000 कैपिटल एम बराबर एन गुणते 1000 बटे। अब देखो यहां पर जो है वी रहबे करेगा बेटा, तो वी का अगर मान निकालते हैं कैपिटल वी इक्वल टू हो जाएगा एन मल्टीप्लाई 1000 बटे एम नीचे आएगा, एम कैपिटल एम नीचे आएगा बेटा, तो एक मोल विद्युत घट पदार्थ के लिए एक मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए यह बराबर एक, तो क्या है बेटा देखो इधर कैपिटल वी इक्वल टू यम का मान के गुणते 1000 बटे यम। अरे बाप रे इतना लंबा चौड़ा भी इधर मान रखो बेटा, तो लैम्डा एम इक्वल टू कोप्पा आयतन का मान निकालेंगे बेटा बेटा 1000 बटे यम। देखिए अभी जो इतना लंबा चौड़ा है बेटा डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं ये पेपर में नहीं आएगा, केवल यही इतना पेपर मारता है, इसी तो न्यूमेरिकल आएगा, इसी को हमको रटना है या हमको नहीं रटना, तुम लोग रटना है। तो लैम्डा एम इक्वल टू कोप्पा, लैम्डा एम क्या है बेटा मोलर चालकता, कोप्पा क्या है विशिष्ट चालकता, और एम क्या है बिलियन की मोलरता है।